आप सुन रहे हैं फोर्स मैरिज एपिसोड 1। रात का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा था। हाईवे से कुछ दूरी पर मेन रोड पर एक बड़ा सा घर था, जो इस वक्त अंधेरी रात में जुगनू की तरह जगमगा रहा था। चारों तरफ बिखरी हुई रोशनी में उस बड़े से घर की खूबसूरती बेपनाह खिल रही थी। शीशे से बनी उस घर की दीवारों में जगमगाती हल्की रोशनी इस बात की गवाह थी कि इस वक्त घर में सब सो चुके हैं। हाईवे से एक कार का काफिला तेजी से बढ़ता हुआ इस घर की तरफ आ रहा था। ये कार्स हवा से बातें कर रही थी। कुछ ही देर में ये कार्स आकर उस जगमगाते घर के दरवाजे पर आकर रुकी और सबसे आगे वाली कार में से एक लड़का ब्लैक ड्रेस पहने हुए बाहर निकला और भागकर बीच वाली कार के पास आकर उसका गेट खोल दिया। कार का गेट खुलते ही उसमें बैठे शख्स ने अपने कदम बाहर निकाले। ब्लैक हुडी, ब्लैक लोअर, आंखों पर काला चश्मा, चेहरे पर काला मास्क, हाथों में काले ग्लव्स पहने ये इंसान बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। कोई इसको देखता तो उसके मुंह से एक ही लफ्ज निकलता, डेविल। वो लड़का कार से बाहर निकला और दूसरे लड़के की तरफ देखकर बोला, योर वर्क इज ओवर, नाउ गो अवे फ्रॉम हियर, कम बैक एट 4 o'clock। उसकी बात सुन उस लड़के ने वॉच में देखा, इस वक्त रात का 1 बज रहा था। उस लड़के ने अपना सिर झुका दिया और अपने कदम पीछे लेकर कार में बैठ गया। सभी कार्स वहां से अपनी रफ्तार पकड़कर निकल गईं। उन सब के जाने के बाद उस लड़के ने अपने कदम उस घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। ये दरवाजा घर का मेन दरवाजा था। नेट से बने हुए इस दरवाजे में अंदर की तरफ से ताला लगा हुआ था। वो लड़का ताले को देख कुछ देर तक खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने अपने लोअर की पॉकेट में से एक की निकाली और उस गेट को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कुछ टटोलने लगा। कुछ देर बाद उसका हाथ दरवाजे के एक हिस्से पर रुक गया, जहां एक हिडन लॉक लगा था। उसने जल्दी से वो की उसमें फिट की तो ताला खुल गया। उसने जल्दी से अपने कदम अंदर बढ़ा दिए। वो अंदर आया, घर का अंदर का दरवाजा खुला हुआ था, उस पर कोई लॉक नहीं था। वो लड़का धीरे धीरे कदमों से चलकर अंदर आया। इस घर में एक छोटा मगर खूबसूरत सा हॉल था। चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी थी। उसने एक नजर सब तरफ डाली और फिर अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। वो ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचा। सामने एक कमरे का दरवाजा था। उस दरवाजे को देख उसके कदम थम गए। उसने अपने एक हाथ को लोअर की पॉकेट में डाला और दूसरे हाथ से बड़े ही नशीले अंदाज में अपना चश्मा उतारा। उसकी आंखों से पर्दा हट चुका था। उसकी ब्लैक आईज में हल्का हल्का ग्रे शेड था। आंखों से ही ये कातिल लग रहा था, तो चेहरे का क्या हाल होगा। पर फिलहाल उसने अपने चेहरे पर से पहरा नहीं हटाया और अपने कदम उस कमरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ाने लगा। वो लड़का कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसने बिना डर और बिना किसी झिझक के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उसने अपना फोन निकाला और टॉर्च जलाकर सामने देखा। उसके फोन की टॉर्च जलते ही कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। कमरे में चारों तरफ किताबें ही किताबें रखी हुई थी। एक साइड में बेड था, उस पर भी किताबें बिखरी हुई थी और उस बेड पर कोई लेटा था जिसने अपना शरीर पूरा ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था। वो लड़का पहले ड्रेसिंग के सामने गया, जहां मिरर पर काफी ज्यादा स्लिप्स चिपकी हुई थी। उस लड़के ने सबसे पहले अपना मास्क उतारा।
उसके मास्क उतरते ही उसके चेहरे का नूर सामने आया। हल्की हल्की बियर्ड, लंबी पतली नाक, बिखरे हुए माथे पर आते बाल, बारीक गुलाबी होंठ और पिंक चीक्स उसको इतना हैंडसम बना रहे थे जैसे किसी एंजल का अक्स उसमें दिखा दिया गया हो। उसके चेहरे पर कातिल मुस्कुराहट थी। ठंड की वजह से उसके गाल और नाक दोनों ही पिंक हो रहे थे। उसने अपने ग्लव्स उतारे और फिर अपनी हुडी भी उतार दी। इस वक्त वो सिर्फ लोअर और टी शर्ट में था। वो खामोशी से हल्के हल्के सब काम कर रहा था। कुछ देर बाद वो लड़का धीरे धीरे सावधानी से चलता हुआ बेड के पास आया और बिखरी हुई बुक्स को उठाकर उनको साइड कर सिरहाने बैठ गया और उसने वो ब्लैंकेट हल्का सा हटा दिया। उसके सामने एक अप्सरा सी दिखने वाली लड़की थी जो दिखने में बेपनाह मासूम लग रही थी। उसके काले बाल नींद की वजह से बिखरे हुए थे। होठों पर लिप बाम लगाने की वजह से हल्की हल्की चमक थी। चेहरे का गोरा रंग, बड़ी बड़ी पलकें, पतली सलाई जैसी नाक और कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स पहने ये अप्सरा बेड पर लेटी थी। इस लड़की को देख उस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना हाथ उसके बालों पर रखा और सहलाते हुए बोला, ज़ेन मल्होत्रा की नाजुक सी हुदा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। वो धीरे धीरे हुदा पर झुकने लगा। हुदा हर बात से अनजान अपनी मासूमियत और खूबसूरती लिए सुकून भरी नींद सो रही थी। ज़ेन हुदा के चेहरे के बिल्कुल करीब आया। उसने हुदा को कुछ सुंघाया और उसके बाद उसने एक भी पल बिना गवाए हुदा के नाजुक पंखुड़ी से होठों पर अपने बारीक होंठ रख दिए। उसने अपने चेहरे को हुदा के चेहरे पर इस कदर दबाया हुआ था, उसकी बियर्ड हुदा के चेहरे पर बुरी तरह धंस रही थी। वो हुदा के होठों पर बेसब्री और बेदर्दी दोनों दिखा रहा था। हुदा के होठ कोई जवाब नहीं दे रहे थे और ना ही हुदा की नींद में कोई बदलाव था, जिसका मतलब साफ जाहिर था कि ज़ेन ने हुदा को बेहोश कर दिया है। ज़ेन हुदा के होठों को कुछ देर तक ऐसे चूमता रहा जैसे समंदर के इंतजार में बरसों से भटक रहे प्यासे साहिल को समंदर मिल गया हो। कुछ देर बाद ज़ेन ने अपने होठ हुदा के होठों पर से हटाए। हालांकि उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव नहीं थे और अभी उसने सिर्फ होठ हटाए थे। चेहरा अभी भी हुदा के चेहरे के ऊपर ही था। वो अपनी बियर्ड को हुदा के चेहरे पर मसलने लगा। हल्के हल्के उसके चेहरे पर बियर्ड मसलते हुए ज़ेन के चेहरे पर बड़ा ही सुकून छाया हुआ था। कुछ देर बाद ज़ेन ने ब्लैंकेट को थोड़ा और नीचे किया। उसके सामने हुदा की बड़ी ही खूबसूरत गर्दन थी जिसकी ऊपर उठती हुई कॉलर बोन ज़ेन की आंखों में मौजूद इंटेंसिटी को बढ़ा रही थी। ज़ेन ने अपना हाथ जो अभी हुदा के दोनों तरफ के शोल्डर पर था अब हुदा की नेक पर रखा और फिर अपनी इंडेक्स फिंगर को हुदा की नेक पर फेरने लगा। वो हुदा की नेक पर फिंगर फेरते हुए लगातार उसकी क्लेवेज को देख रहा था जो हुदा की पहनी हुई ब्लैक टी शर्ट में से हल्की हल्की जाहिर हो रही थी। ज़ेन कुछ देर तक अपनी फिंगर को हुदा की नेक पर चलाने के बाद उस पर से थोड़ा सा दूर हुआ और फिर खुद ब्लैंकेट के अंदर आ गया। उसने हुदा को अच्छे से अपनी बाहों में कैद कर लिया। उसके चेहरे पर अलग सा सुकून बिखरा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी पलकें हल्के हल्के झपक रही थी जो इस बात की गवाह थी कि वो अभी सिर्फ हुदा से सुकून ले रहा है, सो नहीं रहा। हुदा को बाहों में लिए हुए ज़ेन का कब वक्त गुजरा उसे महसूस तक नहीं हुआ। ज़ेन ने अपनी आंखें खोली और सामने लगी हुई वॉच में टाइम देखा तो 3:40 हो चुके थे। ज़ेन ने उदासी भरे भाव से हुदा को खुद से दूर किया। इस वक्त उसके चेहरे पर दुनिया जहां की उदासी और गुस्सा था।
जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जैन बेड पर उठकर बैठा और अपने शूज पहनकर एक और बार हुदा की तरफ पलटा और मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमकर बोला, हुदा सहगल, चाहूं तो तुम्हें एक पल में अपने करीब कर लूं, यूं हफ्ते में एक दिन आकर तुम्हें सबसे बेखबर कर तुम्हारे करीब आना मेरे लिए मुश्किल है और उससे भी ज्यादा मुश्किल है खुद को रोक पाना, लेकिन मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने इतना करीब ले आऊंगा कि तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकोगी, तुम्हें तुम्हारे अपने भी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि मैं अपने हक पर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई एम डेविल ऑफ ब्लैक वर्ल्ड बट फॉर यू आई विल बी एंजल बट ओनली फॉर यू। इतना बोल जैन ने एक और बार हुदा के माथे को चूमा और हल्के से बोला, हुदा, माय हुदा। ये नाम लेते वक्त भी उसके चेहरे पर अलग सा सुकून था। फिर वो उठा और अपनी हुडी पहनकर अपने चेहरे पर मास्क लगाकर और अपनी आंखों को चश्मे से ढककर कमरे से और फिर घर से बाहर चला गया। बाहर आकर उसने घर को उसी तरह बंद किया जैसे खोला था और फिर उसने रोड की तरफ देखा तो उसकी कार्स का काफिला आ रहा था। कुछ ही सेकंड में कार्स आकर रुकी और वही लड़का बाहर निकलकर आया और जैसे ही इस बार उसने जैन की कार का गेट खोलना चाहा, जैन ने आगे बढ़कर अपना हाथ कार के गेट पर रखा और झटके से खोलता हुआ अपनी नर्म और सर्द आवाज के मिक्सचर में बोला, नॉट दिस टाइम अभिमन्यु। अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, ओके बॉस, एज यू विश। इतना बोल अभिमन्यु सिर झुकाकर वहां से चला गया और अपनी कार में जाकर बैठ गया। जैन भी कार के अंदर बैठा और पूरे कार के काफिले ने एक तेज रफ्तार पकड़ ली। कौन है जैन मल्होत्रा? क्या रिश्ता है उसका हुदा के साथ? क्या हुदा को पता है अपने साथ हो रहे इस मामले का? और अगर वो अनजान है तो क्या होगा जब हुदा जानेगी सच्चाई? आगे जाने के लिए देखते रहिए फोर्स मैरिज हमारे YouTube चैनल कहकशा FM पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।